कुणाल खेमू ने बतौर चाइल्ड एक्टर बॉलीवुड में कदम रखा था। उसके बाद फिल्मों में काम करने का सिलसिला जारी रहा। वो एक शानदार कलाकार के साथ एक सहज व्यक्तित्व के मालिक हैं। कुणाल की शादी शर्मिला टैगोर की बेटी और सैफ अली खान की छोटी बहन सोहा अली खान से हुई है और अब कुणाल 2.5 साल की इनाया के पापा भी हैं। कुणाल ने फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इंडिया टीवी डिजिटल से बात की। फिल्मी सफर के अलावा वो एक दौर है हमारी जिंदगी में, दूसरा होता है पर्सनल लाइफ। कुणाल, यू आर मैरिड टू अ फैमिली जहाँ फिर से, मतलब आपने महेश भट्ट इज योर इंस्टीट्यूशन, इफ आई मे से सो एक्टिंग में। शादी हुई एक ऐसे परिवार में जहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटिव लोग इतने सारे मौजूद हैं, ऐसे में कुणाल कैसे आए, मतलब ये हुआ कैसे? मैंने आपसे जैसे कहा ना कि लाइफ हैपेंस व्हेन यू आर बिजी प्लानिंग अदर थिंग्स, सो व्हाई प्लान। कुछ भी इसमें से प्लान नहीं था, सब संजो की बात है। मुझे जो हमने पहली फिल्म की सोहा के साथ, उसमें सोहा वो फिल्म नहीं करने वाली थी, फिर 2 दिन पहले उन्होंने हाँ की तो मुझे बताया गया कि अब सोहा कर रही है। उस फिल्म में हमारी बातचीत नहीं हुई, हमारे फ़ोन नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं हुए थे, हम सिर्फ हेलो हाय फ्रेंड्स थे। फिर 99 हुई जिसपे हमारी दोस्ती हुई, और वो हमने तो आई डोंट थिंक वी इवन आस्क्ड ईच अदर फॉर अ डेट की रिलेशनशिप कब शुरू हुआ पता नहीं, वो दोस्ती से ही कब रिलेशनशिप में बदल गया। आई जस्ट नो दैट एट सम पॉइंट आई हैड टू से दैट ओके नाउ आई हैव टू मैरी हर, सो टू प्रपोज टू हर। सो इट ऑल हैपन वेरी ऑर्गेनिकली एंड इन अ वेरी अनप्लान्ड फैशन, बट आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक दूसरा हिस्सा आपकी पर्सनल लाइफ है, आई थिंक हर किसी इंसान का पहला हिस्सा वो पर्सनल लाइफ है। द इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि ये इतनी अनप्रिडिक्टेबल इंडस्ट्री है जहाँ आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ वो आपका वो बेस जो बोलते हो ना, वो आपका सिक्योरिटी है। वो हाँ, आप खुश हो गए तो आपका वो तो आप इससे आप डील कर सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो खुशी बहुत ही है। अगर आपने इसको अपनी पूरी जिंदगी बना ली, फिर वही मैं जैसे आपका, फिर आप रोलर कोस्टर पे रह रहे हैं, फिर वो कब उल्टी होगी, कब चक्कर आएंगे या कब सही मजा आएगा, उसका कोई भरोसा नहीं। स्टेबल मैन, वेरी स्टेबल, मतलब आज का जनरेशन जो है वो जिस तरीके से हम देखते हैं, सो कंफ्यूज कि क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं, क्या होगा वो पता नहीं। ऐसे में अगर ये सोच लेकर के आप चलते हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। पेरेंटहुड की अगर बात करें, बेटी आपकी अब बड़ी हो रही, बड़ी क्या हो रही है, मतलब शी इज अ टॉडलर नाउ, बट कैसे पेरेंटिंग, मतलब किससे आपका आइडिया ऑफ पेरेंटिंग क्या है? आई थिंक अगेन यू विल से दैट प्लान नहीं करता, नो नो, आई विल टेल यू व्हाट प्लान तो नहीं। आई थिंक यू नो, जब इनाया पैदा हुई तो आई थिंक उसने जन्म दिया माता और पिता को, और हम अब उससे सीख रहे हैं कि हमें पेरेंट्स किस तरह रहना है। क्योंकि आप कितनी भी एडवाइसेस ले लें, आपको एट द एंड ऑफ द डे एडवाइसेस अलग अलग होती हैं, मगर वो डिसीजन आपको लेना पड़ता है। और मुझे तो बड़ा डर लगता है जब वो डिसीजन, और मैं हमेशा सुहा को आगे कर देता हूँ कि यू डिसाइड एंड आई सपोर्ट यू इन इट, बट आई थिंक वी आर इट्स अ प्रोसेस। और पहले 3 महीने तक तो वो सिंक इन भी नहीं होता है, आई थिंक ऑलमोस्ट 4 महीने तक कि ये क्या हुआ। आपको सिर्फ ये पता है कि हमारी दिनचर्या बदल गई है, पूरा टाइम टेबल चेंज हो गया है, अब हम अपने लिए सेकंड सोच रहे हैं, इसके लिए पहले सोच रहे हैं, लेकिन फिर वो रूटीन बन जाता है और कहीं ना कहीं आप उसमें, वो तो टेक ऑफ के टाइम पे थोड़ा हिलता है प्लेन, फिर वो एक जब एक एल्टीट्यूड पे ले लेता है, फिर स्मूथ क्रूजिंग शुरू हो जाती है। सो नाउ आई थिंक एक सिस्टम सेट हो गया है। हू इज द स्पॉइलर? मी, हैड टू बी ना, फादर, हैड टू बी, नो, हैव टू बी, आई कांट, आई मीन मुझे तो एक्चुअली सब बोरिंग स्टफ नहीं, बट जो मेहनत वाला काम है उससे मैं थोड़ा भाग जाता हूँ। जब वो सबसे अच्छे मूड में होती है तब जाके मैं तब आप सामने आते हो, और जब इवन सो इज ट्रैवलिंग देन आई हैव टू आल्सो हैव टू टेक ऑन दैट। व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड शी इज, किस तरह? शी इज अ वेरी हैप्पी चाइल्ड, टच वुड, एंड शी इज वेरी सॉरी, शी इज वेरी काइंड। एक्चुअली हम वो पहली पीटीए मीटिंग में गए थे ऑलरेडी, जो मीटिंग भी शुरू हो गई, हां, वो प्री स्कूल में थी, एंड द थिंग्स दे हैड टू से, आई फेल्ट रियली इमोशनल अबाउट इट, एंड देन द फैक्ट दैट दे सेड शी इज काइंड एंड शी लाइक्स टू लुक आफ्टर अदर्स एंड शेयरिंग एंड लाइक इवन लाइक वो रेस में भी ना, कभी कोई गिर गया तो अपनी रेस छोड़ के उसको जाके वो उठाना, एंड शी इज वेरी, शी इज लॉट्स ऑफ फन। अभी तो पूरी बातें भी कर रही है, अच्छे से समझ जाती है, बोलती भी है, टच वुड ऑफ वोकैबुलरीज, थैंक्स टू हर मॉम, शी इज वेरी गुड। शर्मिला जी का एक मैं इंटरव्यू देख रही, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ यू, वेरी फॉन्ड ऑफ यू, मतलब उनके एक चेहरे से ही लगता है द वे शी टॉक्स अबाउट यू। कुणाल, एक नए, जैसे एक लड़की अगर शादी करके आती है किसी परिवार में, उसे हर किसी के साथ, हर किसी के टेम्परमेंट के साथ आपको
मैचअप भी करना होता है, देखना भी पड़ता है. उस तरह एक लड़के का भी वही है, इट्स नॉट दैट कि लड़की को ही करना है. सो इस तरह के माहौल में, इस तरह के लोगों के बीच, हाउ डू यू नो किस तरह से रिलेशन आपने मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए भी ऐसा ही था. जब मैं पहली बार नहीं मिला था तो मेरे लिए भी शर्मिला टैगोर से पहली बार मिलना वाज वेरी नर्वस, क्योंकि हमारे लिए तो वो फिल्म में जो जो हम देखते हैं, या टाइगर पटौदी, आई एम द बिगेस्ट फैन. जवाई हो आप. या एंड बट यू नो इन सब के पीछे आई वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे ऑल पीपल हु आर ब्रदर्स, सिस्टर्स, वाइव्स, एंड यू नो दे आर नॉर्मल पीपल. एंड व्हेन यू गेट टू नो दैट, फिर आपकी रिलेशनशिप उस इंसान के साथ एस्टैब्लिश होती है, ना कि उस छवि के साथ जिसे आप पहले देके आए. एंड दैट्स वेयर द कंफर्ट हैपेंस. एंड समटाइम्स आई हैव टू नोइंगली वॉक अवे टू से दैट ओ दिस इज दैट पर्सन. क्योंकि जब हम एक घर में रहते हैं, हैविंग लंच, हैविंग कॉन्वर्सेशंस, इट्स कॉल हर अम्मा, इट्स अम्मा, इट्स मी, इट्स सोहा, इट्स भाई, एंड इट्स लाइक दैट. कौन सी ऐसी बात पे आप दोनों की टीम अप होती है, अम्मा एंड यू? हमारी टीम अप एक्चुअली शुरुआत खाने से हुई, क्योंकि सुबह को बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता. अम्मा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और मैं भी अच्छा खाना बनाता हूँ. अच्छा. तो जब हम लंदन में थे तो वहाँ पे हम एक अपार्टमेंट में रह रहे थे साथ, तो उन्होंने मुझे याद है सुबह ने बोला था, अम्मा ने बोला वो प्याज बड़ा अच्छा काटा उसने. अच्छा अच्छा. तो एंड देन शी लाइक, यू लाइक कुकिंग, एंड देन दैट्स वी बॉन्डेड ऑन फूड एक्चुअली. एंड देन ऑब्वियसली देन देयर आर वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, एंड आई हैव टू से दैट अम्मा इज वन ऑफ दोस people I know who's very cued into everything that is happening right now, current affairs, politics. She takes interest in television, what are we watching, what do we like about it. She has such very interest, and over sab mein you can see that in Saif, you can see that in Soha, and you see where it's coming down from. Bilkul. Aap kitna library mein ghuste hain? Because Soha and Saif I know avid readers hain dono. Meri 5 kitabe hongi. क्योंकि करीना भी कह रही थी कि ये दोनों पढ़ते हैं. नहीं, दे आर वोरेशियस रीडर्स एक्चुअली. अब सोहा का अभी थोड़ा कम हो गया जब से इनाया हो गया, बट मुझे पता है बिगिनिंग में मेरे को बोलना पड़ता था बस करो यार, किताबें भर भर के घर में जगानी पड़ी थी, इतनी किताबें थी, और वो ये पढ़ती रहती, वो पढ़ती रहती, बहुत पढ़ती थी वो. उसकी वजह से एक्चुअली मैंने भी किताबें पढ़ना ज़्यादा शुरू कर दिया, नहीं तो मेरा पूरा सिस्टम ही ऑडियो विजुअल था, तो टीवी से ज़्यादा था. बट आई ऑल्सो स्टार्टेड एंजॉयिंग रीडिंग एक्चुअली. फाइनली सेलिब्रेशंस या फेस्टिवल्स किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं? लाइक होली इज राउंड द कॉर्नर, आई वुड रियली वांट टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ यू नो. आई थिंक मैंने बचपन में इतना ओवरकिल कर दिया ना, क्योंकि होली की तैयारियां तब हम पहले शुरू कर देते थे कि किसके घर पे जमा होंगे, कलर कहाँ मिक्स होगा, कितने बजे मिले, अच्छा जब कलर ख़त्म हो गया तो मिट्टी लें, कीचड़ लें, क्या लें, खुराफातें जो थी वो इतना किया. या दिवाली में पटाखे फोड़ना, जो ऑब्वियसली अब समझ आती है कि एनवायरनमेंट के लिए कितना ख़राब है, लेकिन हमने वो इतना ओवरकिल कर दिया कि वो पहले एक सब बड़े हो गए. पहले तो मतलब बचपन को हम लोग बचपन की तरह जीते थे ना, लोग कम थे ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ गई है, जगहें छोटी हो गई हैं, तो वो इस वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. लेकिन मैं ये कह रहा था कि वो इतना किया ना कि वो एक दिन अपने आप बड़े हो गए, किसी ने रोका नहीं. फिर वो एक दिन ऐसे लगा कि यार मैं क्यों जाके इतना सारा पानी फेंक रहा हूँ या मुंह पे रंग लगा रहा हूँ, फिर आगे मुझे नहाना पड़ रहा है, तो थकान हो गई मुझे. तो इसीलिए अब वो उस तरह का वो उत्साह नहीं है. अब तो एक्चुअली कई सालों से होली खेली भी नहीं है. देखने में अच्छी लगती है कि गुलाल लगा रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं. इनाया के लिए कोई प्लान अभी तो सिखाना पड़ेगा उसको? बिल्कुल नहीं सिखाएंगे हम, डेफिनेटली. इनफैक्ट वो इस दिवाली पे तो रंगोली चल रहा था उसका, तो हम वो भी बना रही थी थोड़ा बहुत दिया जलाने के लिए. मेरा तो ये था हाथ नहीं चल जाए, बट वो कलर्स के साथ खेल के उसने भी एक अपनी अलग से रंगोली बनाई थी. तो ऑब्वियसली पिछले साल तक तो बहुत छोटी थी, आई डोंट नो अभी होली के लिए उसे हम कहाँ होंगे, बट डेफिनेटली वी हैव टू इंट्रोड्यूस हर टू दिस ब्यूटीफुल कल्चरल फेस्टिवल्स दैट वी हैव. एंड तैमूर के साथ उसका इक्वेशन मुझे लगता है कि भाई तो है ही, प्लस मुझे लगता है बेस्टी होगा वो. खेलते हैं वो कब एक सेकंड में इतने अच्छे से खेल रहे होंगे, फिर आपको सडनली एक आवाज आएगी किसी के रोने की या किसी के चिल्लाने की. बट आई एम वेरी हैप्पी कि उनका एज ग्रुप इतना आसपास है, दे विल ग्रो अप टुगेदर. कई बार क्या होता है, गुड लुकिंग किड्स, ये तो मतलब अगले जनरेशन के अभी से तैयारी मुझे लग रहा है. बट यू नेवर नो, आई मीन उनके क्या प्लान्स होंगे. Ambitions for them, they have to have their own ambitions, right. I just have to make sure you can't, they have a complete experience. They, you know, she has to enjoy life, she has to know everything about it, she has to have wo kuwe ka mendak nahi ban sakte. You travel the world, read, educate yourself, have fun, do everything, then whatever you want to do you decide.
कुणाल, इतना मीडिया ग्लेयर अच्छा लगता है आप लोगों को, जैसे बच्चे ये लोग बेचारे निकलते हैं और एकदम से फोटोग्राफी शुरू हो जाती है, सो डू यू आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम डू यू थिंक दैट यू नो, लुक यू नो आई डोंट एनकरेज इट बिकॉज आई डोंट थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स, ये पापराजी कल्चर हमारे लिए भी बहुत नया है, ये पिछले दो साल या तीन साल से हुआ है। आई सी हाउ समटाइम्स फॉर एन एक्टर इन आवर प्रोफेशन इट माइट बी अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर वी नीड ईच अदर, बट एज किड्स दे डेफिनेटली डोंट नीड इट बिकॉज दे डोंट हैव दिस आइडिया ऑफ firstly what paparazzi is, they don't have an idea of what a celebrity or an actor is, kyunki Inaaya ko to abhi TV time bhi nahi, use ye bhi nahi pata main actor hu ya main kya karta hu. Acha abhi tak usne nahi, wo abhi literally abhi thoda usko phone pe Peppa Pig ya Dora abhi 3 ki nahi hui hai, September end mein hogi thi, abhi to 2.5 saal ki bhi nahi hui hai, 2.5 saal ki ho jayegi is month end mein, so I don't think that it's fair for them, but having said that, even though I don't encourage it, I don't want to scare her कि कहीं मीडिया आ गई तो उसको लेके भाग गए, तो थोड़ा कंफर्टेबल करना है। दिस इज हैपनिंग अराउंड हियर एंड दिस इज द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड दैट वी आर ग्रोइंग इन, एज लॉन्ग एज देयर इज नो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, बट आई हैव टू से कि अभी तक हमारे मीडिया के और हमारे पैपराजी के जो लोग हैं, दे हैव बीन कर्टियस इनफ टू रिस्पेक्ट दोज बाउंड्रीज, एंड कपल ऑफ टाइम्स आई हैव आस्क्ड देम कि प्लीज नहीं, एंड दे हैव रिस्पेक्टेड दैट. गुड इनाफ, आई मीन गुड टू टॉक टू यू कुणाल. मुझे लगता है मैं तो बस बातें करूंगी तो फिर शाम हो जाएगी, बिकॉज इतनी सारी बातें होती हैं इंसान की जिंदगी के, एज यू राइटली सेड कि वो जो दूसरी जिंदगी जो मैंने कही थी वो दूसरी नहीं होती, वो पहला होता है, बिकॉज व्हेन यू आर हैप्पी विद इन वो चेहरे पर दिखता है. एंड आप ऐसी फिल्में करते रहें, बिकॉज अच्छी फिल्में लोग हमेशा देखते हैं, चाहे वो कितने भी प्लेटफॉर्म्स आ जाएं, कितने भी लोग आ जाएं. थैंक यू सो मच कुणाल, लवली मीटिंग यू. सेम.